Hello students, how are you? Well, I hope you are fine. Today we are going to discuss multiplication of matrices. आज हम multiplication of matrices discuss करने वाले हैं. NCERT plus 2 class का NCERT की जो book है आपकी उसके exercise 3.2 एक तरह से हमारी discuss होगी. Operation on matrices पे छोटा सा video हमने पिछले last time update किया था. उसके बाद आज हम कर रहे हैं आपका multiplication of matrices. तो मल्टीप्लीकेशन भी और मैट्रिक्स क्या है आपका ये देखिए. सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स कंडीशन क्या है. जैसे एडिशन के लिए कंडीशन थी कि आपके दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ऐड होंगे. इसी तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है. अब सपोज आपको एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है आपका एम इन टू एन. एक मैट्रिक्स है बी, जिसका ऑर्डर है आपका एम इन टू बी. मीन्स ये क्या है आपके नंबर ऑफ रो और ये क्या है आपके नंबर ऑफ कॉलम. अब इसमें भी ये क्या है नंबर ऑफ रो और ये क्या है आपके नंबर ऑफ कॉलम. तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो कंडीशन है आपकी वो क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के जो रो है वो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तभी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो पाएगी, डिफाइन हो पाएगी. ओके स्टूडेंट्स, ओके. फिर ये आपका जैसे मैट्रिक्स से सपोज आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिफाइन होगी तो फिर आंसर क्या आएगा. आंसर बहुत सिंपल सी चीज है. आंसर क्या आएगा, जो बच गए हैं वो आंसर होगा. यानी कि यहाँ एन, ये एन और एन तो इक्वल हो गए तो जो ए बी आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा. मान लीजिए वो एक्स मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा आपका, उसका ऑर्डर होगा आपका एम इन टू पी का. अगर मान लीजिए अदर वर्ड हम ये कहें कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 3 × 2 है. क्या है आपका, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आपका ऑर्डर है 3 × 2. बी कोई मैट्रिक्स है 2 × 4 है. तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या होगा, 3 × 4 होगा. बिकॉज ये आपके दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये आपकी कंडीशन है. अब आता है मल्टीप्लाई करना कैसे है, ये देख लीजिए आप कैसे करना है. पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं स्पॉज 1 2 3 4 5 6. तो इसका ऑर्डर क्या है आपका, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है. एक बी मैट्रिक्स तो उसका ऑब्वियसली कॉलम क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 2 3 4 8 9. सपोज ये हमने सेकंड जो है मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है आपका, इसका ऑर्डर क्या है आपका, इसमें 3 कॉलम है और कितने हैं, 2 रो है. तो एक चीज हमारे क्लियर है कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 × 2 आएगा. अब ए बी कैसे लिखेंगे, देखो आंसर क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम. क्या करते हैं, रो बाय कॉलम. यानी कि यहां जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो इस रो के सभी एलिमेंट की इस कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो. कैसे, 1 × 1 1 + 2 × 3 6 + 3 × 8 24. ये आपका एक एलिमेंट बनेगा. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 का होगा, इससे आपको आसानी होगी. अब नेक्स्ट देखो, अब इसी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1 × 2 2 2 × 4 8 और 3 × 9 27. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फिर वही सेम प्रोसीजर इस रो की इस कॉलम के साथ, 4 × 1 4 5 × 3 15 6 × 8 48. फिर इसके साथ 4 × 2 8 + 5 × 4 20 एंड 6 × 9 54. अब आप इनको ऐड करके ले लीजिए, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा. ये आ जाएगा आपका 31, ये आ जाएगा आपका 37, ये आ जाएगा आपका 67 और ये आ जाएगा आपका 80. अब ये ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर क्या है आपका, 2/2 का है. तो आपकी कैसे मल्टीप्लाई करनी है इसके बारे में आपको बता दिया है कि रो बाय कॉलम, यानी कि इस रो के हर एक एलिमेंट की
इसके हर एक कॉलम के साथ कोरस्पोंडिंगली मल्टीप्लाई होने हैं, उसके बाद ही आपका ये आंसर मिलेगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे एक प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, कॉम्यूटेटिव, कि a प्लस बी को ऐड करो या b प्लस a को ऐड करो आंसर सेम होता था। बट इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि a b और b a इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इक्वल, बट ये जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी केस ये क्या हो, इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी मतलब हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। बट जैसे एडिशन था, एडिशन में ये क्या होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, कि एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। 3.2 के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 4, 3, 2, एक आपका बी मैट्रिक्स गिवन है 1, 3, 2, 5, -2, 5, और एक सी मैट्रिक्स आपको गिवन है -2, 5, 3, 4। ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपके बेसिक ऑपरेशंस ही दिए हुए हैं, जैसे a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी हम डिस्कस कर चुके हैं, a प्लस बी कैसे निकलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 + 5 = 7, ये आप आसानी से कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके दोनों के दोनों क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट है आपका, लास्ट जो पार्ट है उसको ऐड करना है। तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स, सेकंड का है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से फिर आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर आपका कोस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से आपका नीचे भी यही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें आपका दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या है cos square x plus sin square x, आप सभी जानते हैं 1 होता है, तो 1, 1, 1 and 1, ये इसका फाइनल आपके आंसर देंगे। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 के अंदर आपका रहता है प्रोडक्ट, क्या रहते हैं प्रोडक्ट रहते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट हम कर लेते हैं सिंपल। सपोज एक गिवन है 2, 3 - 1, 2, 3 - 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, और बी आपको गिवन है, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा 1, 0, 1, -1 और 2, 1। अब ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी तो बहुत सिंपल है, पहले आपको इसका ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर जो है आपका 3 × 2 का है, इसका जो है 2 × 3 का है, ये इक्वल होने से ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3 × 3 का है। कैसे आएगा देखो, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की 1 के साथ 2, 1 की -1 के साथ -1, एक एलिमेंट ये हो गया, सेकंड फिर 2 की 0 के साथ 0 और 1 की 2 के साथ 2, थर्ड क्या हो जाएगा 2 की 1 के साथ 2 और 1 की 1 के साथ 1, इसी तरह से 3 की 1 के साथ 4, 3 × 1, 3 प्लस 2 की -1 के साथ -, फिर इसके इसके साथ 0 प्लस 4, फिर 3 की 1 के साथ 3 और 2 की 1 के साथ 2, फिर इसके -1 की 1 के साथ -1 और 1 की -1 के साथ -1, -1 की इसकी 0 होगी, इसकी 2 बन जा 2 हो जाएगा, और इसकी -1 होगी और +1, इसको आपको सॉल्व के लिए अभी देखिए 3 by 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ये आपको मिलेगा। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है आपका, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, फोर्थ आप आसानी से कर लोगे, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ फिफ्थ खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं आपको। 6 क्वेश्चन है आपका सिंपलीफाई, क्या सिंपलीफाई करना है आपको, कोस थीटा इनटू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा
एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इतने सारे आपको दिए हुए हैं। तो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा बाहर है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। सेकेंडली क्या है, प्लस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके इसके साथ करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर क्या है आपके सेम है, और अगर ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं आपके ऐड हो जाते हैं। अब ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बनेगा वन, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज ऑल्सो जीरो, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज वन। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, इसमें मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू गिवन है 2340। एक तरह से हमें लीनियर इक्वेशंस की तरह ही गिवन है, और यहाँ गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 5, ये गिवन है। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर सपोज आप इनको एक बार छोड़ दीजिए, आप ये देखिए अगर ये इक्वेशन होती तो हम कैसे सॉल्व करते, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, क्योंकि हम इसे कोफिशिएंट इक्वल कर रहे होते। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6x 9y, और इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, 2 इंटू 2 4, फिर ये क्या हो जाएगा 4 2, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, समझ गए। और इसके नीचे भी अब ये भी मैट्रिक्स बन जाती है, एक तरह से क्या बन जाती है मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसके हमें फिर साइन चेंज करने होंगे, बिकॉज माइनस करना, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 6x प्लस 9y इक्वल टू 10 और 6x प्लस 4y इक्वल टू 11, तो हम साइन चेंज करते हैं, तो इसमें भी हमारा साइन इसका चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके ये कैंसिल आउट, 9 माइनस 4 क्या बचेगा 5y। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 9 प्लस 4 क्या होगा 13, 12 प्लस 2 क्या होगा 14, और 0 माइनस 10 क्या होगा माइनस 10। अब 5 कहाँ जाएगा, उसके डिवाइड में जाएगा, तो पूरी मैट्रिक्स को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, ये वाई की आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ओके ये आपका टॉपिक था, और इसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर शायद आई थिंक 7 तक सॉल्व हो गए हैं ये। और ये आज के लिए इतना ही है आपका मल्टीप्लीकेशन के, मतलब बेसिक जो है मैंने आपको करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।